नए ओवर के साथ तनु केसरवानी आई हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे अनुज जायसवाल। 16 रन की जरूरत, हल्के हाथों से सीधे बैक टू द बॉलर खेला था बिना किसी रन के। एसटीसीए सुपर किंग के नाम से ये टीम खेल रही है। 24 गेंदों पर 16 रन चाहिए। ये देखिए बड़ी ही सूझबूझ से खेला गया शॉट अनुज के बल्ले से। अनुज काफ़ी पेशेंस वाले खिलाड़ी हैं, अपने पिछले ही मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। स्पोर्ट्स टैलेंट का इनको दवाल कहा जाता है। जिस तरीके से भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा बीवीएस लक्ष्मण ने भूमिका निभाई थी, उसी तरीके से अनुज जायसवाल भी स्पोर्ट्स टैलेंट के मैचेस में अपनी भूमिका निभाते हैं। और इस बीच उठा के मारा है उज्जवल प्रसाद का शतक पूरा हुआ। और देखिए किस तरीके से अभिवादन स्वीकार किया उज्जवल प्रसाद ने, अपनी खुशी का इजहार किया बैट लहराते हुए। उज्जवल का ये चौथा शतक उनके करियर का, बधाई देते उनके साथी खिलाड़ी। ये लम्हा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी खिलाड़ी के करियर के लिए। लगातार अच्छी बल्लेबाजी करने वाले इस खिलाड़ी ने, हालांकि कोरोना काल में अपने पिता को खोया था, और अब खुलकर हाथ दिखाते हुए इस गेंद को कवर की दिशा में खेला। एक रन मिलेगा। तनु केसरवानी भी औपचारिकता पूरी करती हुई नज़र आ रही हैं। आज काफ़ी प्रभाव नहीं छोड़ सकी। अच्छी गेंद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक सकेंगे आदित्य यादव। एक बार फिर से तनु केसरवानी दाएं हाथ से ओवर द विकेट, और इस गेंद को फिर से उठा के मारा है, और इस बार आदित्य यादव ने मिस किया। एक विकेट मिलना लगभग सुनिश्चित था तनु केसरवानी को, लेकिन कैच छोड़ दिया आदित्य यादव ने। और इस तरीके से ओवर समाप्त हुआ, और अब जीत मात्र महज औपचारिकता रह गई है एसटीसीए की।